नमस्कार। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1,60,000 से भी ज्यादा मामले आए हैं और कोरोना में कुछ राज्य जो है अब वो महाराष्ट्र आज भी सबसे आगे है कोरोना मामलों में, एक्टिव केसेस में, नंबर ऑफ डेथ्स में भी। लेकिन कुछ राज्य ऐसा लग रहा है कि कोरोना का स्प्रेड वहां पर बढ़ता जा रहा है और पायदान में कहीं ऊपर वो जाते जा रहे हैं। उनमें एक राज्य है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर मैं ऐसा कहूं तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी। तो आखिर लखनऊ में ये हालात कैसे पहुंचे, और इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ लखनऊ से है दो वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। एक वेटरन जर्नलिस्ट सुनीता एरन जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के साथ जुड़ी हुई हैं, और विजय उपाध्याय जी जो कि वहां पर लखनऊ में स्टेट ब्यूरो इंचार्ज है दैनिक भास्कर के। सुनीता जी और विजय जी, आप दोनों का इस प्रोग्राम में स्वागत है। और थैंक यू। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक अजीब सी वारदात हुई है। वारदात क्या, ये घटना है कि एक चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ने, योगी कैबिनेट के कानून मंत्री ने, और अपर मुख्य सचिव को लिखी है हेल्थ के, और शिक्षा सचिव को भी लिखी है कि हालात किस तरह से कोरोना के बद से बदतर होते जा रहे हैं। और बड़ा डिटेल्ड लिखा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपने जो वहां का तंत्र है, जो शासन है, उसकी व्यवस्था से वो खुद भी खुश नहीं है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जिस योगेश प्रवीण जी का, इतिहासकार योगेश प्रवीण जी की कल मौत हुई है और कोरोना वाली परिस्थितियों में ही मौत हुई। और उन्होंने अपने खत में, ब्रजेश पाठक जी ने अपने खत में इसका जिक्र भी किया है कि उन्होंने फोन किया उन्हें कि एम्बुलेंस का कहीं से आप इंतजाम करवा सकते हैं क्या, और ब्रजेश पाठक जी ने खुद बहुत सारे फोन मिलाए, बहुत सारे लोगों को संपर्क किया कि भाई किसी तरह से आप योगेश प्रवीण जी को, उनकी हालत खराब होती जा रही, आप एम्बुलेंस पहुंचाए। लेकिन समय रहते ऐसा नहीं हो पाया। योगेश प्रवीण जी अब हमारे बीच नहीं है। एक बहुत ही बड़ा हस्ताक्षर लखनऊ का, एक बड़े इतिहास का। हम इसी से बात शुरू करेंगे। सुनीता जी, योगेश प्रवीण का जो हादसा है वो शायद वो एक तरह से कह ले कि कोरोना की जो परिस्थिति है लखनऊ में उसको दर्शाता है, उसका एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल होगा। जी बिल्कुल। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि होली के बाद लोगों ने दे ड्रॉप दे गार्ड्स, मतलब जो कहना चाहिए कि बिल्कुल खुल के बाहर आ गए, जी और किसी ने कितना सीरियस है ये पैंडमिक उसको वो भूल गए, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को ये कि कॉन्फिडेंस हो गया था कि एक वैक्सीन आ गया है, वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, केसेस बहुत कम हो गए हैं, तो अब हम लोगों को इतना खतरा नहीं है। तो मैं इस बात को मानती हूँ कि लोगों ने इसको बढ़ाने में अपना पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करा, और सरकार जिस तरह से सख्ती बरतनी चाहिए थी, अगर लोग मास्क नहीं पहन रहे थे तो 5,000 रुपए का फाइन लेना चाहिए था, अगर लोगों को समझ नहीं आ रहा था, हर तरह की सख्ती वहां होनी चाहिए थी। तो जी सबसे पहली ढिलाई जो आप कहेंगे वो लोगों ने करी, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की भी वहां भूल हुई। सेकंड, जब एक बारी ये लगा कि ये पैंडेमिक बढ़ रहा है, एंड देर इज अ टॉक अबाउट अ सेकंड स्ट्रेन आल्सो जो कि ज्यादा इन्फेक्शियस है, जी महाराष्ट्र के बाद, पंजाब के बाद एंड कुछ सदर्न स्टेट्स के बाद ये बात आने लग गई थी कि ये स्ट्रेन बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। उस समय गवर्नमेंट को जितनी जल्दी में, मतलब द एफिशिएंसी दैट दे शुड हैव शोन, दे हैड द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उन्होंने पहले कोविड हॉस्पिटल्स बनाए थे, उनके पास डॉक्टर्स भी थे, उनके पास वेयरविदल भी था, सब कुछ था, बट उन्होंने एकदम इंतजाम नहीं करा, उसको रियलाइज नहीं करा कि ये जी इतनी ज्यादा भयानक हो जाएगा। और उसका रिजल्ट आज ये है कि जैसे योगेश प्रवीण जी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एम्बुलेंस के लिए वेट करके करते करते उनका डेथ हो गई। कई लोग टेस्ट की रिजल्ट नहीं आ रहा ना, टेस्ट का रिजल्ट आने में 3 3 दिन लग जाते हैं। अगर किसी का ऑलरेडी इन्फेक्शन है, 3 दिन तक पूरा परिवार वेट कर रहा है, व्हाट विल दे डू? अब टेस्ट का जब रिजल्ट आ गया, फिर उसके बाद एडमिशन, एडमिशन में अनदर 24 आवर्स, एंड देन एम्बुलेंस अनदर 24 आवर्स। दैट मींस कि
जब आपको पहला सिम्टम होता है पहली बारी तो पेशेंट भी एकदम नहीं जाता है, वो दो दिन अपने को वॉच करते हैं तो वहां पे पहले टाइम लॉस होता है, थर्ड डे वो लोग जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो इट टेक्स अबाउट 4 to 5 days फॉर एनी पेशेंट टू गेट हेल्प असिस्टेंस। जी जी मैं विजय जी को यहाँ पर लाना चाहता हूँ, मैं अभी भी योगेश प्रवीण जी की ही बात करना चाहूंगा क्योंकि वो सिम्टोमेटिक है जो कुछ चल रहा है लखनऊ में और जिस तरह से इसको हैंडल किया जा रहा है या मैनेज किया जा रहा है या मिसमैनेज किया जा रहा है, जो भी आप जिस एंगल से भी आप देखना चाहें। तो योगेश प्रवीण जी का तो एक एग्जाम्पल है, आखिर क्या हुआ होगा मैं समझ सकता हूँ, क्या आपने क्या कहानी सुनी योगेश प्रवीण जी को लेकर, जिसका जिक्र ब्रजेश पाठक ने भी किया अपने खत में। विजय जी आप जरा सवाल दोहरा दे, बीच में एक्चुअली कॉल आ जाने से पूरा सुन नहीं पाया मैं। योगेश प्रवीण जी के बारे में आप सवाल पूछ रहे थे। जी 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 मैं यही पूछ रहा था कि आखिर क्या हुआ होगा, कुछ आपने अपनी इन्फॉर्मेशन भी गैदर करी कि एम्बुलेंस के लिए उन्होंने कॉल की, शायद ब्रजेश पाठक को भी फोन मिलाया और फिर नहीं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए ऐसा है कि वो तो ब्रजेश पाठक ने खुद कहा कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, उन्होंने खुद कोशिश की थी इसके लिए, और एम्बुलेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है लखनऊ में। दरअसल मैं आपको बताऊं प्रभात जी, आप देखिए कि मुंबई की आबादी अगर 2011 की जनगणना से देखें तो 1,84,00,000 है जी। वहां पे 10,000, 12,000, 8,000 केसेस निकल रहे हैं जी। और लखनऊ की आबादी 2011 की जनगणना से कुल 35,00,000 है, 2011 की जनगणना से, और 35,00,000 की आबादी होने पे यहाँ जो केसेस निकल रहे हैं वो 5,000 से ज्यादा है। अगर मुंबई के बराबर की आबादी के प्रोपोर्शन में देखेंगे आप, उस हिसाब से ये जो एवरेज केसेस है मुंबई से कई गुना ज्यादा है, तो ये हमारे लिए ज्यादा अलार्मिंग है। और मुझे लगता है कि कोरोना का एपी सेंटर मुंबई नहीं बल्कि लखनऊ है, और इस बात को नजरअंदाज करके जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, बहुत से ऐसी मैंने देखा है कि इन्होंने कई तरीके की रिपोर्ट्स ऐसी दी है जो वास्तव में अप्लीकेबल है ही नहीं। अभी अगर आप देखें कि जो टीकाकरण है, टीका उत्सव चल रहा है, स्टेट हेडक्वार्टर में कल केवल 1,00,000 टीका बचा था और कुल 1,13,00,000 टीके इनके पास अभी तक आए, जिसमें से 93,00,000 टीके कल तक लग गए थे। अब आज की फिगर शाम तक पता लगेगी, और जो सेकेंड डोज है उसको लेके लोगों को कैसे मिलेगी वो एक दुविधा है। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट के जो इम्यूनाइजेशन के अफसर हैं उनका कहना है कि 20,00,000 टीके अगले 7-8 दिनों में हमें मिलेंगे, 5,00,000 टीके पहले मिल जाएंगे, 2,00,000 टीके और पहले मिल जाएंगे, लेकिन इससे पूरा कोटा होता नहीं। इसलिए पर डे 5,00,000 इम्यूनाइजेशन उत्तर प्रदेश में इस समय कोरोना का हो रहा है, 5,00,000 टीके लग रहे हैं। तो ये जो प्रवीण जी का जो दुखद उनका निधन है, ये इस पूरे घटनाक्रम को एक तरीके से एक एग्जाम्पल की तरीके से दिखाता है कि एक ऐसा रिनाउंड व्यक्ति जिसको पद्मश्री हो और जिसके लिए एक मिनिस्टर और जो लखनऊ से विधायक भी हो और सरकार के सबसे सक्षम और सबसे काबिल मंत्रियों में गिना जाता हो, उसके क्षेत्र में राजधानी में और उसके कहने पर भी एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, तो ये सिस्टम पे बहुत बड़ा सवाल है। और वही ब्रजेश पाठक जो है अपने खत में जो और बातें लिख रहे हैं, मैं एक सिलसिलेवार अगर उसको शुरू करूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर अपनी टिप्पणी दें कि उन्होंने लिखते हैं कि COVID-19 के 4,000 से 5,000 कोरोना के रोगी जनपद में मिल रहे हैं यानी लखनऊ में, ऐसे में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या काफी कम है। चिकित्सा विभाग के एक बड़े अधिकारी से एक सप्ताह पहले मेरी बात हुई थी जिन्होंने बताया था कि उन्हें प्रतिदिन 17,000 किट जांच के लिए चाहिए लेकिन सिर्फ 10,000 किट ही उपलब्ध हो पा रहे हैं। सुनीता जी आप इस पर खास तौर पर इस पॉइंट पर मैं चाहूंगा कि ब्रजेश पाठक ने जो लिखा है आपका अपना एक्सपीरियंस भी और क्या आप इसको सच मानती हैं, क्या आपके नजरिया? देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूं। एक तो जो हमारे कुलीग्स ने बताया है 3,000 का वेटिंग लिस्ट फॉर एम्बुलेंस, ये कमांड के एक यहाँ पे ना एक सिस्टम डेवलप करा गया है, एवरीथिंग एक जगह से कंट्रोल होती है जी। आप वहीं से आप अपने टेस्ट के लिए जाएंगे, वहीं से आपको बेड अलॉटमेंट होगा और वहीं से एम्बुलेंस मिलेगी, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर।
जी इंटीग्रेटेड. अब आई डोंट नो ये इसका क्या पर्पस रहा होगा, बट जब इस तरह के बल्क आते हैं वहां पे कई बारी वो लोग भी प्रेशर में आ जाते हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारे किसी जान पहचान वाले ने हमें बॉम्बे से कहा कि हमारे दो लोग हैं उनको आप करा दीजिए, बहुत क्रिटिकल है. तो आई न्यू समबडी इन वन ऑफ द हॉस्पिटल्स, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा. उन्होंने कहा अभी आईसीयू में नहीं है बट आई विल गेट यू अ बेड. उन्होंने कहा बट अलॉटमेंट हो जाए हमारे को इंटीग्रेटेड से. तो आई वेंट बैक टू द इंटीग्रेटेड कमांड. मैंने कहा भैया हम वहां पे बेड है, हम किसी को जानते थे? उन्होंने कहा हम अभी इशू कर देते. लेटर इशू हो गया बट स्टिल इट टुक अबाउट 1 hour or 2 hours. देन उसके बाद उन्होंने वहां से आया हॉस्पिटल से कि आप अपने आप पहुंचे, आप कैसे आ रहे हो, कब पहुंच रहे हैं. नाउ We realized कि ओके वो कपल अकेला रहता है, there was no driver, वो कैसे जाएगा, दोनों infected है. तो फिर वो मेरे पास आए कि अब हम जाएं कैसे. तो मैंने फिर कमान को कहा कि मैंने कहा एम्बुलेंस भिजवा दीजिए. It was about 9 in the night, 12 बज गया, कोई एम्बुलेंस नहीं आई. और जब उनका फोन नहीं आया तो मैंने मान के चला पहुंच गई. सुबह उनका फोन आया कि कोई एम्बुलेंस नहीं आई थी. And by that time, those beds were given to somebody else. तो इस समय जो उन्होंने ब्रिजेश पाठक जी ने लिखा है वो एक सच है. अब अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं 2000 आप beds का अरेंजमेंट करिए, 2000 beds का मतलब है उसके साथ का सपोर्टिंग स्टाफ, इक्विपमेंट्स, जो आपको बेसिक नेसेसिटीज है, ऑक्सीजन, आपको वो भी इंतजाम करना है. ओवरनाइट 2000 चारपाइयां कॉट्स डाल सकते हैं आप कहीं पे, बट कांट मेक अरेंजमेंट. सेकंड, अभी जो चीज गवर्नमेंट एहसास नहीं करी, दे शुड अंडरस्टैंड दैट बहुत सारा मेडिकल स्टाफ उनका बीमार हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है. नाउ इन्फेक्शन कोरोना मींस 15 डेज अ पर्सन इज आउट ऑफ सर्कुलेशन. सो इन केस इन एनी हॉस्पिटल अगर 20 आपका 25% स्टाफ भी इन्फेक्ट हो जाता है तो और नंबर्स लोगों के बढ़ेंगे, हाउ विल दे डू इट, हाउ विल दे मैनेज इट, वेयर विल दे गेट द स्टाफ फ्रॉम. सवाल ये उठता है कि टेस्ट जो है, टेस्ट में भी रिपोर्ट्स जो है, विजय जी मैं जानना चाहता था कि ब्रिजेश पाठक ने भी लिखा है कि टेस्ट रिपोर्ट्स में ही 7-7 दिन लग रहे हैं और शायद कहीं कहीं तो शायद आपको ओरली या फोन पे बता दिया जा रहा है टेस्ट रिपोर्ट दी भी नहीं जा रही है, शायद आंकड़े भी फज करने या छुपाने की कोशिश हो रही होगी. क्योंकि जिस कदर इवन प्राइवेट से मिल जाते हैं 24 hours में, बट दो इश्यूज आ रहे हैं. एक तो प्राइवेट से पॉजिटिविटी रेट थोड़ा हाई आ रहा था तो दे वर टोल्ड वर्बली परहैप्स टू गो स्लो. ओके, सेकंड प्राइवेट में बहुत फर्जी भी टेस्टिंग होनी शुरू हो गई, इट बिकेम अ मनी मेकिंग बिजनेस. तो यू नो इट्स अ कैच 22 सिचुएशन कि आप कैसे किस तरह करेंगे. आज वो कह रहे हैं कि टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं बट इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो राइट नाउ. देयर इज पैनिक, देयर इज केयर, पीपल आर डाइंग. क्रिमेशन सेंटर में पीपल आर टेकिंग 20 hours, 25 hours टू डिस्पोज ऑफ बॉडीज. दैट इज द टाइम. That's a very critical situation. विजय जी उन्होंने बात की क्रिमेशन सेंटर की, मुझे वहां पे शायद टोकन सिस्टम शुरू हो गया है, क्या ये सच है? हाँ ये बिल्कुल सच है. दरअसल लखनऊ में जो फर्नेस है एक ही है, दो हैं जिसमें से एक खराब रहता है, एक ही काम करता है. और जब संख्या ज्यादा हो जाती है 10 या 12 या 15 के नंबर में लोग वहां पहुंचते हैं तो एक क्रिमेशन में कम से कम 1 घंटा का समय लगता है. तो जाहिर है कि वहां भीड़ इकट्ठी हो ही जाएगी. हालांकि अब एडमिनिस्ट्रेशन ने लकड़ी से अंतिम संस्कार करने की छूट भी दी है, उससे थोड़ी राहत लोगों को मिली है. लेकिन अब दिक्कत यह है कि कभी देखिए कभी कोई किसी ने सोचा नहीं थे ना कि फर्नेस से क्रिमेशन कराने के लिए लोग तैयार होंगे और इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे. असल प्रॉब्लम है देखिए रिसोर्स की, जो बात हम रिपोर्ट को लेके कर रहे हैं जी. जब हम 1000-2000 जांच कर रहे थे तो शायद 24 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती थी, लेकिन जब आप 17,000 जांच करेंगे एक दिन में तो रिपोर्ट कैसे संभव है कि मिल जाए, क्योंकि आप अचानक कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे. एक्चुअली कोरोना की जो ये प्रॉब्लम है, ये अचानक जो तेजी से होली के बाद से जितनी तेजी से स्प्रेड हुआ है और लोग इतने ज्यादा संख्या में इससे परेशान है, उन सब के सामने रिसोर्सेज की ही प्रॉब्लम आ रही है. जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई लखनऊ में एक लिमिटेड है, फिक्स है कि इतनी सिलेंडर जो रूटीन है
अब उसमें अचानक अगर आपको मल्टीप्लाई डबल ट्रिपल डिमांड हो जाए तो उसमें भी दिक्कत आएगी ही। ठीक यही बात एम्बुलेंस में भी है। मैं प्रशासन का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो प्रशासन के सामने दिक्कतें हैं जिसको हमको भी समझना चाहिए कि जब रिसोर्स होंगे तभी हमें अवेलेबिलिटी होगी एम्बुलेंसेस की, रिसोर्स के लिए। चूंकि देखिए क्या है विजय जी कि सेकेंड वेव को लेकर एक दूसरी लहर आएगी, बल्कि दिल्ली के तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं चौथी लहर दिल्ली में, लेकिन नेशनली अगर हम ये बात करें कि दूसरी लहर आ चुकी है और बहुत भयानक रूप से आई है, तो इसकी आशंका तो हम सबको और पूरे देश को प्रधानमंत्री से लेकर सारे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी थी। तो क्या उसको लेकर कुछ इंतजाम में कुछ कमी रह गई या और बेहतर हो सकते थे? नहीं देखिए, असल में क्या कि फ्यूचर को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। जो समय बीता वो इनके पास एक एग्जांपल था और ये माना गया कि अप्रैल मई 2020 में जो सिचुएशन थी वो एक्सट्रीम थी। अब जो कुछ भी होगा अंडर कंट्रोल होगा। अब देखिए 78 केस उत्तर प्रदेश में पर डे ऑलमोस्ट मिल रहे थे, 65 समथिंग, अचानक गैलोपिंग करके वो 18,000 पर डे केस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना बड़ा चैलेंज तुरंत खड़ा हो जाता है और इतनी तेजी से ये सामने आ गया 10-12 दिन में कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी सिस्टम इसको संभालने के लिए सक्षम होगा जब तक कि आपके पास बहुत बड़े पैमाने पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो। और अगर बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर आप होल्ड करेंगे तो आपको उतना ही एक्सपेंस करना पड़ेगा, और जिसमें सरकार अभी भी क्राइसिस में है, पिछले साल का रेवेन्यू उनके रेवेन्यू की प्रॉब्लम है, पब्लिक में पैनिक है। समस्या ये है कि लोग हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे, इवन कि जो आम आदमी को छोड़ दीजिए, आम आदमी तो परेशान ही है, जो बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट हैं उत्तर प्रदेश में उनके साथ भी दिक्कत है। दीपक त्रिवेदी जी यहाँ ACS हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको एडमिट कराने में 5-6 घंटे लग गए। योगेश प्रवीण जी की जो घटना है वो खुद पद्मश्री है, पद्मश्री देश का एक गणमान्य व्यक्ति है, उसको इस तरह से समस्या का सामना करना पड़ा। तो हर तरफ से, चारों तरफ से है। अब इसमें देखिए क्या है कि ऐसे में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है और जो लीडरशिप है वो हमारे लिए ज्यादा, मुझे लगता है कि उसको खुद को प्रूव करने का समय है। जी अच्छा, दिलचस्प बात ये है इसमें सुनीता जी, मैं ये जानना भी चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं दौरे पर, और वहाँ जाके वो अलग अलग अपने बयान भी दे रहे हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे और लव जिहाद की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर लखनऊ में राजधानी में ही इतनी बड़ी समस्या वहाँ पर मौजूद है, एक तरफ तो ये है। दूसरी तरफ ये है कि योगी आदित्यनाथ तो ये कह रहे हैं कि हम बेहतर इंतजाम करेंगे, हम सब कुछ अच्छा करेंगे, और चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी टेक ओवर करना पड़ जाए वो करेंगे, और उसी तरफ उनके कैबिनेट के ही एक मंत्री जो है कानून मंत्री ऐसा खत लिखते हैं जो कि डिटेल में बताते हैं कि हमारी कमियां हैं, हमारे लैप्सेस हैं, उनको ठीक करना जल्दी से जल्दी वो बहुत जरूरी है। ये क्या कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये क्या रस्साकसी चल रही है वहां पर लखनऊ में? नो, कोई रस्साकसी नहीं है। देखिए, जो मंत्री जी ने लेटर लिखा है दैट इज आउट ऑफ पेन, क्योंकि योगेश प्रवीण बीइंग अ वेरी वेरी पॉपुलर पर्सन एंड उन्होंने पर्सनली उसके लिए कोशिश करी, इसलिए अब प्रॉब्लम ये है कि मुख्यमंत्री जी थोड़ा पॉलिटिकली भी बिजी रहे, बट वो कहीं पे भी रहे वो रिव्यू मीटिंग्स करते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुख्यमंत्री जी ने कोई एफर्ट नहीं करा या वो एक्टिव नहीं है, ही हैज बीन वेरी एक्टिव। द ओनली थिंग इज, एक होता है ना कि नंबर्स पे ज्यादा फोकस हो जाता है, डेटा पे फोकस हो जाता है, और एक वक्त आता है जब नंबर का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज की तारीख में अगर वो कहेंगे 4,000 फिगर्स हैं या 3,000 फिगर, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि राइट एंड लेफ्ट सबके आस पड़ोस में 4-5 लोग इन्फेक्टेड है, लोग मर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि मर रहे हैं, पीपल आर डिसअपीयरिंग फ्रॉम देयर लाइव्स। तो आज की तारीख में आई थिंक व्हाट दे नीड टू डू इज एडमिट वी हैव अ प्रॉब्लम, एडमिट वी हैव अ क्राइसिस। मैं आज ही बयान उनका अभी देख रहा था, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने ये कमिट किया कि 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाया करेगी, लेकिन विच इज फर्दर अवे फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी, जो कि ये है कि 6 घंटे में या 7 घंटे में एम्बुलेंस पहुंच रही है या नहीं भी पहुंच रही है, जो कि योगेश प्रवीण और भी बहुत सारे किस्म देखा। ये उनकी विशफुल थिंकिंग है, ये उनके इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, डायरेक्शन हो सकते हैं, बट यू नो कई बारी लोगों को फॉरगेट मुख्यमंत्री, इवन ब्यूरोक्रेट्स को एक्चुअली नहीं पता होता। अभी रिसेंटली मैंने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी अलॉटमेंट लेना पड़ता है,
उन्होंने कहा नहीं 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 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए कोई अलॉटमेंट नहीं होता. मैं कहा होता है, जस्ट फाइंड आउट, वहां अलॉटमेंट है. देन आपने कहा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप बेड्स बढ़ा दीजिए, उन्होंने बेड्स बढ़ा दिए. बट डू दे नो देयर इज वन टॉयलेट ओवर 20 पीपल, वहां कभी कोई रिकवरी नहीं होती है. सो यू सी ऑफिसर्स ऑल्सो, बिकॉज कितना पब्लिक का फीडबैक उनको मिल रहा है, आई डोंट नो. वी टोल्ड देम कि आप प्राइवेट कैब्स चला दीजिए एम्बुलेंस के बदले. मतलब दे कैन बी सो मेनी सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम. आई रियली होप कि मंत्री जी के लेटर से वो जागे और उसमें लाए एंड फाइंड अ सॉल्यूशन एंड इम्पोज. आई स्टिल फील 5,000 कम से कम फाइन होना चाहिए फॉर पीपल हु आर नॉट वेयरिंग मास्क. ये बहुत जरूरी है. विजय जी, हम ये भी कह रहे थे कि जहां जहां पे कोविड सेंटर्स हैं, जहां पे टेस्टिंग चल रही है, वहीं पे एडमिट भी किए जा रहे हैं कोविड पेशेंट्स, तो ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है. नहीं, अब देखिए कि ऐसा कैसे कर सकते हैं सरकारी सिस्टम में कि उसके लिए अलग बिल्डिंग करते हैं. हॉस्पिटल में ही पहले भी वैक्सीनेशन की परंपरा रही है और बच्चों के टीकाकरण के लिए काफी कम से कम हमारे देश में एक बहुत ही सुव्यवस्थित सिस्टम बना हुआ है. तो उसी टीकाकरण फैसिलिटी का काफी कुछ इस पे इस्तेमाल भी किया गया है, क्योंकि कोल्ड चेन मेंटेन करना इसमें सबसे डिफिकल्ट चीज है. कोल्ड चेन मेंटेन तभी हो पाता है जब कोई सुपरवाइजर बहुत ही स्ट्रांग हो या सीनियर पोजीशन पे हो, तभी कोल्ड चेन आप मेंटेन कर्मचारियों से करा सकते हैं. नहीं तो कर्मचारी जरा सी लापरवाही करेंगे और फिर वो और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. जिन लखनऊ में देखिए, ऐसे देखा जाए तो लखनऊ में बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन वो कोरोना के लिए नहीं तैयार थी. यहाँ PGI है, यहाँ 2-3 निजी चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं, एक मेडिकल गवर्नमेंट का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा लोहिया इंस्टीट्यूट है, मेदांता भी है, और भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं यहाँ पे. तो एक तरीके से ये ग्रोइंग हॉस्पिटल हब है, मतलब हेल्थ सर्विस का हब क्रिएट हो रहा है लखनऊ. लेकिन इसके बावजूद देखिए, सब पूरा ढांचा यहाँ बैठ गया है. हर जितने भी हॉस्पिटल में हम लोग, अभी हमारे तमाम परिचितों को प्रॉब्लम है, जिन लोगों से हम बात, जो लोग हमसे हेल्प करना लेना चाहते हैं, हम बात करते हैं, जब हॉस्पिटल में पता लगता है कि बेड फुल है, वेंटिलेटर फुल है, वेटिंग है. और एक दिमाग में विजय जी भी और मैं सुनीता जी आपसे जानना है, दिमाग में जो पहला वेव था उसमें मैं हमने सबने देखा कि यूपी ने एक अच्छे से मैनेज किया, उतने केसेस नहीं आए, और ये सेकेंड वेव में अचानक जैसे लग रहा है कि एक यूपी ने होड़ में लग गया है कि इस बार हम जो है हम फर्स्ट आके दिखाएंगे, हम पायदान में ऊपर चढ़ के दिखाएंगे. तो ये फर्स्ट फेज ऑफ वेव में और सेकेंड वेव में क्या फर्क आपको लगा? नो, आई रियली होप ऐसी कोई होड़ ना हो. लॉकडाउन से भी हेल्प मिली थी टू ब्रेक द चेन. थर्ड, आपका ये जो अभी हमने नाइट कर्फ्यू लगाई है 9 बजे से शाम, हम लोगों ने इंसिस्ट करा स्कूल्स चलेंगे, 9 to 12 चलेंगे, यूनिवर्सिटीज चलेंगी. वी डिड नॉट रियलाइज कि द टाइम हैज कम टू क्लोज डाउन इंस्टीट्यूशंस, टू रिड्यूस वर्किंग आवर्स, टू क्लोज डाउन टेम्पल्स एंड गुरुद्वारास एंड मॉस्क्स. All we did not realize, we allowed people to lead their normal life. शादियां लोगों ने करनी शुरू कर दी, 2,000 लोग आने लग गए. So there was a very casual approach, thinking कि अब तो वैक्सीन लग रही है, इससे अब बहुत चीजें कंट्रोल हो जाएंगी. But vaccine was not there to control 100%. Vaccine के साथ साथ टेस्टिंग शायद रुक गई थी, क्या ये वजह रही? टेस्टिंग भी रुक गई थी, और लोगों ने जुकाम बुखार को एक वायरल समझना शुरू कर दिया था. देयर वाज टोटली, एक कहना चाहिए ना, वेरी वेरी केयरलेस अप्रोच. अभी लॉकडाउन को लेकर विजय जी, मैं जानना चाहता था कि लॉकडाउन को लेकर अभी सरकार का क्या अप्रोच है, और आप लोग क्या समझते हैं कि लॉकडाउन की अभी यूपी में, खास तौर पर लखनऊ में, उन शहरों में, प्रयागराज भी जिसमें शामिल है, इलाहाबाद शामिल है जो मेरा अपना शहर है, क्या वो भी लॉकडाउन एक हल है, सॉल्यूशन है, इफेक्टिव सॉल्यूशन है? नाइट कर्फ्यू इज समथिंग एल्स. कैन आई से समथिंग एंड लीव, बिकॉज़ आई हैव टू गो. श्योर श्योर. आई नॉट अ कंप्लीट लॉकडाउन, बट इन सिटीज वेयर देयर इज अ टोटल क्राइसिस, वेयर आपका हॉस्पिटल अरेंजमेंट्स कंप्लीट नहीं है, वहां पे चेन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है. इवन ट्रेडर्स टुडे आर सेइंग
कि आप 15 दिन के लिए लॉकडाउन कर दें तो इट विल बी बेटर. इफ यू रिकॉल जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस करा था उस समय नंबर ऑफ केसेस वर फार बिलो देन व्हाट वी हैव टुडे. द वायरस वाज फार वीकर देन व्हाट वी हैव टुडे. सो आई थिंक नॉट द एंटायर कंट्री बट द स्टेट्स एंड द सिटीज दैट आर एडिंग टू द प्रॉब्लम वहां पे 15 डेज लॉकडाउन होना चाहिए जिससे कि हेल्थ सेटअप को भी आप ठीक कर सकें. सुनीता जी, जो कि आपको जाना है, बस आपसे मैं तीन वो पूछूंगा जो आप सजेशंस देना चाहेंगी योगी सरकार को, हाउ टू टैकल कोविड सिचुएशन नाउ द वे इट हैज स्प्रेड नाउ. सबसे पहले तो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट द केसेस आर ग्रोइंग, डोंट बी इन अ डिनायल मोड. सेकंड इज टेस्टिंग, अलाउ प्राइवेट लैब्स. उन्होंने कुछ कैप लगाया पैसों का, वो भी एक मजाक है. 900 रुपीज फॉर अ टेस्ट बट द डॉक्टर विल टेक 600 रुपीज फॉर रिकमेंडिंग अ टेस्ट, 1500 रुपीज. सो आप इस समय व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टेस्टिंग, टेस्टिंग एंड इमीडिएट रिपोर्टिंग. एंड देन उसके बाद जो क्रिटिकल नहीं है उनको आप घर पे करें एंड हैव अ लिस्ट ऑफ रिटायर्ड डॉक्टर्स. सम डॉक्टर्स आप IMA से ले सकते हैं जो कि आइसोलेशन में जो केसेस हैं उनको वो देख अटेंड कर सके. एंड देन हैव क्रिटिकल वंस इन द हॉस्पिटल्स, मेक अरेंजमेंट्स फॉर ऑक्सीजन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी कहा जा रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने करा है इंतजाम, बट जस्ट क्रिएटिंग बेड्स इज नॉट इनफ. यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट एंड मेडिसिन एंड ऑक्सीजन टू सेव लाइव्स. सो टू सेव लाइव्स टेस्टिंग and admitting that we have a problem. Just ki aap bani rahiye Sunita ji, bas hum 2 minute mein wind up karenge. Main chahunga Vijay ji se bhi teen wo sujhav jo ki wo yogi sarkar ko dena chahenge kyunki wo dekh bhi rahe hain, ground pe hain, aur mahatvapurna sujhav kya honge Vijay ji aapke. Dekhiye isme jo sabse badi dikkat ki baat aa rahi hai ki kaun sa patient kitne din hospital mein rahega, ye tay kar pana kisi bhi doctor ke bas mein nahi hai. इसलिए कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको ज्यादा ड्यूरेशन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा है, कई पेशेंट ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं, उन्हें वेंटिलेटर चाहिए लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा है. तो इसका एक मैनेजमेंट सिस्टम इनको डेवलप करना चाहिए, कुछ नए हैंड को अपने साथ एसोसिएट करें, भले वो कैजुअल वर्कर के तौर पर ही रखें. तो ये एक तरीका होगा कि जो अभी पैनिक सिचुएशन है पब्लिक में कि उन्हें हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे हैं या बेड नहीं मिल पा रहे हैं, तो उससे शायद थोड़ी इस समस्या का समाधान हो सकता है. दूसरा, थोड़ा पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए कि पैनिक ना करें और जो भी इसके नॉर्म्स हैं, मास्क और 2 गज की दूरी, इसको भी मेंटेन करें. इसके साथ बहुत जरूरी है कि जो सेल्फ मेडिसिन लोग कर रहे हैं कोरोना में, चूंकि जितने डॉक्टर हैं हम, तो जितने भी चिकित्सक से मिलते हैं या जितने भी एक्सपर्ट को हम टीवी पे सुनते हैं, सभी की ओपिनियन बिल्कुल अलग होती है. अब मैं ये समझ नहीं पाता हूँ कि सारे डॉक्टर अलग अलग तरीके की बात करते हैं, अलग अलग चीजें बताते हैं, और इस बार जो सेकंड वेव है इसमें आप देखिए कि काढ़ा बिल्कुल से मिसिंग है और जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट था उसको बिल्कुल कोई चर्चा नहीं कर रहा है. तो क्या वो एक्सपीरियंस गलत था पिछली बार जो काढ़ा पीने के लिए कहा गया था, या फिर अब एक नई बहस ये है कि ये जो स्ट्रेन है ये बिल्कुल अलग तरीके का है, पिछली वेव जो पहली वेव थी उससे बिल्कुल अलग किस्म का नया स्ट्रेन है और ये ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा है, इसके स्प्रेड होने के कारण क्या है, इस पे कोई स्टडी नहीं है, इसके बारे में पब्लिक को बताया जाना चाहिए. और जो कंबाइंड एफर्ट है, जैसे ये जो ब्रिजेश जी की, जो पाठक जी की जो चिट्ठी है वो एक्चुअली चिट्ठी नहीं है, वो वेदना है. और वेदना वो इसलिए है कि वो लखनऊ के विधायक भी हैं और लखनऊ के हालात इस समय जैसे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि हर आदमी मंत्री से ही कहेगा, विधायक से ही कहेगा कि मुझे ये जरूरत है, मेरे रिलेटिव है, मेरा बच्चा है या मेरा भतीजा या मेरे पिताजी को परेशानी है. तो वो इनकी वेदना है और इस बात को शायद सरकार में पहली बार किसी ने इस तरीके से रखा है. अदरवाइज जो ब्यूरोक्रेसी है जो इसको हैंडल कर रही है वो शायद उनके तो नंबर भी जर्नलिस्ट तक से बात नहीं होती है उनकी. तो ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है और ढेर सारे लखनऊ में तो जर्नलिस्ट भी बीमार है. उन सारे जर्नलिस्ट से अगर पूछिए तो उनके एक्सपीरियंस बहुत खराब है हॉस्पिटल में. उनका कहना है कि हमारे तो केयर होती ही नहीं, वहां जाके हम फंस जाते हैं. तो इन सारी सिचुएशन से ऊपर उठ के थोड़ी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की भी जरूरत है. बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका, और सुनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में मुझसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. हम चाहेंगे कि हालात वहां पे जल्दी से बेहतर हो
और सबके स्वास्थ्य का ख्याल रखे सरकार और तंत्र को चुस्त दुरुस्त करे, और ताकि हम लोग जब अगली बार बात करें तो बात करें कि किस तरह से टाइड ओवर किया वहां के तंत्र ने, प्रशासन ने इस क्राइसिस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।